दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेंज लाइफ पर। अक्सर आपने इंटर्नशिप का नाम तो सुना होगा, लेकिन आप नहीं जानते कि आखिर इंटर्नशिप क्या होती है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं, इंटर्नशिप कितने समय की होती है और किस टाइप की होती है। अगर आप इंटर्नशिप के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरी देखिए। इंटर्नशिप का मतलब होता है जॉब ट्रेनिंग। अगर आप किसी भी फील्ड में जॉब करना चाहते हैं और आपको उस फील्ड का एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज नहीं है, तो आप किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी में एज अ इंटर्न काम कर सकते हैं, जहां से आपको एक्सपीरियंस, नॉलेज और बहुत सी स्किल सीखने को मिलती है। इंटर्नशिप पेड भी होती है और अनपेड भी, यानी कुछ कंपनी आपको इंटर्नशिप की सैलरी भी देती है और कुछ आपको सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस देती है। इंटर्नशिप के अंदर किसी भी स्टूडेंट को 2 से 6 महीने के लिए कंपनी फैक्ट्री के साथ काम करने का अनुभव मिलता है। इस काम का मेन उद्देश्य प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करना होता है। इंटर्नशिप आप 12th क्लास के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। आजकल मेडिकल, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग जैसे कोर्स में इंटर्नशिप की अधिक मांग है। आज के समय में कंपनी ऐसे लोगों को जॉब देना चाहती है जिनके पास किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी हो। इंटर्नशिप करने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। इसे करने से मालूम हो जाता है कि किस तरह इंडस्ट्री में काम किया जाता है। इंटर्नशिप से तकनीकी ज्ञान, सॉफ्ट स्किल्स, टीम में कैसे काम करते हैं जैसी चीज़ें सीखने को मिलती है। कॉरपोरेट इन्वायरमेंट समझ में आता है। टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है। जब आप जॉब कर रहे हो तो हर काम समय पर करना होता है। यदि आपको किसी बड़ी कंपनी के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है तो उसका एक्सपीरियंस आपके रिज्यूम में जुड़ जाता है। इससे आपकी अच्छी नौकरी मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इंटर्नशिप करने के दौरान नए दोस्त और नेटवर्क बनता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल सीखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि इंटर्नशिप कैसे प्राप्त करें। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज में बहुत सी कंपनी इंटर्नशिप के लिए आती रहती हैं, और आप जिस कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहते हैं उसमें सीधे जाकर संपर्क करें। एक छोटे से इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल जाएगा। इंटर्नशिप का चयन करने के लिए आपको अपने इंटरेस्ट पर ध्यान देना होगा। जैसे यदि आप MBA का कोर्स कर रहे हैं और मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन लिया है, तो आपको ऐसी कंपनी में इंटर्नशिप करनी चाहिए जहाँ पर आपको मार्केटिंग का अनुभव प्राप्त हो। अब आपको पता चल गया होगा कि इंटर्नशिप क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।